राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जोहार। मेरा नाम है नीरज चौहान और आप देख रहे हैं गांव जवान चैनल। पिछले चंद दिनों में एक एक घटना जो युवाओं द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे, एक एक घटना काबिले तारीफ है, क्योंकि सरकार मानना नहीं चाहती, लेकिन इसका एक रास्ता और है, और रास्ता है शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करा जाए, प्रदर्शन करा जाए, ताकि सरकार को कोई मौका न मिले जिससे सरकार युवाओं की तरफ लट हैगा खड़ी हो जाए। आर्मी लगा दी, बैरी पुलिस फोर्स लगा दिया, बिहार में लट बजाया, उन्हीं बालकों पर लट बजाने लग रहा, उन्हीं जाकों पर लट बज रहा जो कुछ दिन पहले मोदी के नारे लगा दिए। और जब तक 4 साल वाला ड्रामा रच दिया सरकार ने, 4 साल की नौकरी करा करेगा, युवा अपने घर जा करेगा, मतलब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, सिस्टम कहां से सीखे हैं। एक कुछ दिन पहले किसान बिल लेकर आए, उसके इतने फायदे बता दिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, आईटी सेल है, इतने फायदे उन्होंने बता दिए, थक गए किसान, अपने लोगों ने समझते समझते थक गए। ये तो शुक्र है आंदोलन जो है शांति प्रिय तरीके से था, इन्होंने करी, आल करी इन्होंने, दिल्ली में जिस दिन 26 जनवरी वाले दिन इन्होंने आड़ करी, ताकि किसान जो है डाइवर्ट हो जा, जिंगे जिंगा बढ़ जा, उसी आंदोलन का फायदा उठाया इन्होंने। इब जा किसान को मान गए, किसान ने तो अपनी बात मान वाली, इब जा दूसरा लिए के खड़े होके नहीं हो, 4 साल नौकरी करो, अपने घर जाओ और मौज मारो भाई, और ऊपर तो लालच दे रहे हम, अब पिछड़े तो मिलने के दर्द है, पहले तो बात अक्त कुछ एक करके हैं जो पिछड़ों के नाम के जहां देश के नाम का प्रेम है, यहाँ किसानों के अक्त है, एक कर अपनी धरती से प्यार है, एक कर अपने देश से प्यार है, भीतर नहीं बढ़ सकता कोई, ये तो सरकार इनके हाथ में रख है, अभी फोड़ देंगे ये तो कब्जा पाकिस्तान लोग कर ले, भीतर लोग बढ़ जाए पाकिस्तान में भी। तो ये जो ड्रामा बढ़ा दिया 4 साल वाला, बिहार में देख लो, बुलंदशहर में देख लो, गाजीपुर में देख लो, जयपुर में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, हिमाचल प्रदेश में देख लो, कहा आंदोलन नहीं हो रहा, सारी जगह आंदोलन हो रहा है, सारी जगह मंड गए, जब तक क्यों मंड गए, उन्हें पता है हम खतरे में आ गए। और टीवी चैनल वाले, कुछ टीवी चैनल वाले तो ऐसे हैं जो कह रहे ये देखिए किस तरह डर गया पाकिस्तान, पाकिस्तान में मच गया हाहाकार, 4 साल की नौकरी से बच जाएगा पाकिस्तान में हाहाकार, मतलब इनने नया ठेका दे रखा, हर चीज का ठेका ही मैंने रहा, शायद जो नए चैनल वाले अलग अलग करके बताऊंगी ये देखिए डर गया पाकिस्तान, पाकिस्तान की आंखें बाहर, मोदी सरकार का एक्शन के है, 4 साल में कोड़ा तीर मार देंगे वहां जाके, और जो मारेंगे भी जो थोड़ा बहुत जज्बा है भी नहीं भीतर वो उम्र लेगा, पहली बार 6 महीने में आर्मी की ट्रेनिंग नहीं पूरी होती, दूसरी बात चलो हो भी गई, अध्य कुछ जो उनका कह रहे हैं बुढ़े अधा दूरा ज्ञान बाता को शरीर के लिए, वही हाल यहाँ है, वो सिस्टम इन्होंने लागू कर दिया यहाँ, और देश के प्रधानमंत्री मैरिज ने बढ़िया, पहले नरेंद्र तोमर अग्गा करते था, ये भी राजनाथ सिंह अग्गा कर दिए, मतलब फंसना दूसरा आदमी अपने हम मजे मारेंगे। और जो से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक नु कह रहे हैं कि भाई बढ़िया है ये, इतनी बढ़िया चीज है यार, तो इन्हें समझाया तो युवाओं ने और अपने अपने कब्जा ने भेज दो भाई, और जो से सोशल मीडिया पर मंड रहे जिक्र पहले किसान आंदोलन जी चालू हुआ, किसान बिल के फायदे बता रहे थे, उस टाइम ये कृषि से भी विशेषज्ञ बन गए थे, ये क्या बन रहे, ये रक्षा विशेषज्ञ बन गए, इसके फायदे इतने हैं भाई, इतना पैसा मिलेगा, इतने लाख रुपए कमा के लाओगा 4 साल में नू देख, और 25% में हो ना तुम, ये सारे 25% में आ जाएंगे, फिर भी 70 बड़े में आ जाएंगे, यू ड्रामा है, देश ने तोड़ने की साजिश है यार, क्योंकि मेरे जाकर किसानों के जाकर आर्मी में जाके मजबूत हो, सबसे जल्दी से नौकरी मिल जावा, क्योंकि दौड़ बढ़िया हो, घर घी दूध बढ़िया मिले, चने पड़े टाइम पे मिल जा, और इनकी रेस बढ़िया हो, आर्मी में सप्ताह मायने बड़ी चीज ये रखा है रेस, जिस पर रेस नहीं लग रही वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपने घरों रह करो भाई। तो ये जो इन्होंने चलाया दिया पिछले
आठ सात दिन तक चल रहा है, बालक जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे अपने हक में आंग रहे हैं, तो ये सब पता नहीं कि कर देश कहा जाए लिया, कैसे समझेगा देश और कैसे देश उसी स्थिति में आवेगा, शायद ही कोई बचा पावे। मुझे लगता कोई बचा भी लेगा देश ने, साल में खड़ा कर दिया सरकार ने देश कि बहुत बुरा हाल है। हम धार्मिक हो गए। एक अभी मैं थोड़ी देर पहले पोस्ट पढ़ रहा था, भाई ने पोस्ट करती थी कि जब एक डेड बॉडी मिले तो उसका पता लगा लीजा जेंट्स था या लेडीज थी, बुड्ढा था या जवान था, किस तरह का उसका सब कुछ कर लिया जाए। लेकिन कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो बताते हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। तो ये जो सिस्टम बना दिया है देश में, जो इतने पूरे तरीके से फंस लिया देश, शायद इस तरह वैर निकटना एक मुझे लगता वैर निकट पाऊंगे। और मेरा आप सभी तक हाथ जोड़कर निवेदन यू है, जो भाई आंदोलन कर रहे हैं मेरे भाई, वो बिल्कुल भी मतलब तोड़ फोड़ में ना हो, शांति तरीके से प्रदर्शन करो, चाहे रोड जाम करो, एक हैंड लो इस रोड में बैठे रहना, हटना नहीं, वहीं बैठे रहियो, हटना नहीं, चुपचाप बैठे रहो। गांधीवादी तरीके से जीत सके हम, अगर भगत सिंह वाले तरीके आओगे तो जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि सरकार को पता है सरकार आर्मी लगा देगी, अबलट में जारी है फिर गोली मरवा देगी। और ये जो आत्महत्या कर रहे हैं मेरे भाई, इनते तो बहुत भाई, जिसका तला जान नहीं दुख हो, किसी ने कोई दुख नहीं होना थारा, थारे माँ बाप थारे पीछे रोएंगे, बस बुरा हाल हो जाएगा उनका। इसलिए आगे समय एक है, जल्दबाजी में एक है, कोई भी कल का निर्णय ना लो जिस तरह थारे माँ बाप ने, भाई ने, बहन ने, किसी ने घर में कोई दिक्कत बने, हम तो चले जाओगे। अरे नौकरी नहीं मिलने की क्या आफत आ जाएगी, के घर को ना समझाओ लोगों, नौकरी मिलने की आफत नहीं आने की, कुछ और देखो यार, मजदूरी कर लो कम से कम, माँ बाप ने छोड़कर तुम्हें जाओ, जिन्होंने जन्म दे दिया उन्हें छोड़कर एक मिनट में चले जा रहे, सुसाइड कर रहे जाकर भाई, वो रास्ता बहुत बुरा है। तो मेरा तो सभी तक यही निवेदन है भाई, बस समझो इस चीज ने। बहुत सारे भाई तो मुझे बात करी रोन लग रहे, आंसू है रहे जाग तो गए, लेकिन मोदी सरकार मानने तैयार नहीं है जी, तावड़ी मानने किया कहीं तुम सोच रहे हो, तोड़ फोड़ कर दो, रेल जला दो, बस जला दो, और वह पुलिस ने भगा लो, अग्गे कर लो, तू नहीं मानने गए, एक जगह बैठ जो साल भर बैठना पड़ेगा, ये किसान की दिक्कत है, भुक्के नहीं मरने के, ना तरना तुमने उमरण दे फिर ना उमरण दे, टेंशन ना लो तुम। ठीक है, साहब ने भी कह दिया भाई हम तरीके से आंदोलन करेंगे, और भी बहुत सारे लोग थारा साथ देंगे, पूरा देश तरीके ले भाई, किसी ने देखकर ना देखकर सलूट लगती हो ना लगती हो, नेता ने देख कर, पुलिस वाले ने देख कर, मंत्री ने देख कर, अभिनेता ने देख कर, किसी ने सलूट नहीं लगती देख कर, एक यही वर्दी ऐसी है जिन्हें देखा वो जानू आदमी, हर वजह गए गुजरे का छिछुरे का तो कुछ करना नहीं, जो इन्हें देखकर सलूट ना करे, मुझे ना देख यार वीडियो लगाओ जाए लम्बे लारे स्टेटस पे, गए एक डब आर्मी वाला खड़ा कर लिया, पुलिस खड़ी भारी भरकम फोर्स, पुलिस खड़ी बेतुकी अनिगा आर्मी वाला किला तानो खड़ा, उन्हें बताया क्योंकि अभी जाना है, क्यों जो है ईमानदार है, इसलिए विश्वास करे आर्मी पे, हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है कि ये जो लोग आर्मी में जा रहे, और वो भरोसा क्यों है, क्योंकि वहां किसानों की ताकत है तो पुलिस में भी किसानों की ताकत, लेकिन यहाँ सिस्टम कुछ और है, वहां सिस्टम कुछ और है। इसलिए आप सभी तक मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ भाई, कोई भी गलत कदम ना उठाओ जिस तरह माँ बाप ने दिक्कत हो। धन्यवाद।